हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेज अ क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गामा 5/3 एंड 1 मोल ऑफ आइडियल डायटॉमिक गैस गामा 7/5। हियर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। द मिक्सचर डज वर्क ऑफ 66 जूल वेन हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज डैश्ड जूल। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि क्लोज कंटेनर, उसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस को लिया गया है, उसके लिए गामा का वैल्यू दे रखा है 5/3, और 1 मोल ऑफ आइडियल डायटॉमिक गैस को लिया गया है जिसका वैल्यू है गामा का 7/5 के इक्वल। जहाँ पर गामा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो फॉर दैट मिक्सचर, यदि वर्क डन 66 जूल के इक्वल हो विच इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज ये फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, डेल्टा ऑफ यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू, जहाँ पर डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट टेकन और रिलीज, डेल डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट करता है। उसी के साथ साथ सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन का, डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड फॉर्मूला होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एन सी वी डेल्टा टी, जहाँ पर सी वी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। एंड द फोर्थ फॉर्मूला विल बी डेल क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर द चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एन, हीट स्पेसिफिक हीट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी के इक्वल होंगे। सो इन सभी फॉर्मूलाज का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम फॉर मिक्सचर, मिक्सचर के लिए जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है दैट इज गामा, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस गामा दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एन वन सी पी वन प्लस में एन टू सी पी टू डिवाइडेड बाय एन वन सी बी वन प्लस में एन टू सी बी टू हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन, ठीक है, 2 मोल्स, देखिए 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक एंड 1 मोल ऑफ डायटॉमिक, और उसके गामा का वैल्यू भी यहाँ पर हमें दे रखा है। सो गामा बेसिकली क्या है, सो देखिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी पी की वैल्यू कितनी होती है, 5/2 टाइम्स ऑफ आर प्लस में एन टू डायटोमिक गैस 1 मोल है, और डायटोमिक के लिए सी पी की वैल्यू कितनी होती है, 7/2 टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन वन 2 हो जाएगा, सी वी वन फॉर मोनो एटोमिक गैस 3/2 टाइम्स ऑफ आर प्लस में 1 इंटू फॉर डायटोमिक गैस सी वी की वैल्यू होती है 5/2 टाइम्स ऑफ आर। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर गामा विल कम्स 17/11। सो एज गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर द अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होगा। उसी तरीके से डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसी तरीके से डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट में लिख रखा है। तो यदि मैं रेशियो निकालूँ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू
डेल यू डिवाइडेड बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू माइनस में डेल यू। सो दिस विल बी गोज टू 1 बाय डेल क्यू बाय डेल यू माइनस में 1। सो फ्रॉम हियर डेल यू बाय डेल डब्ल्यू का रेशियो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय। नाउ इफ यू सी दैट डेल क्यू क्या है, देखिए एन सी पी डेल्टा टी, डेल यू क्या है एन सी वी डेल्टा टी। सो एन और डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सी पी बाय सी वी ही बचेगा। सो यहाँ पर सिंपली बच गया सी पी बाय सी वी माइनस का 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय सी पी बाय सी वी। ये बेसिकली गामा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और फॉर द मिक्सचर वी हैव फाउंड इट्स ऑलरेडी 17/11 माइनस का 1 हो जाएगा। सो दिस इज गोज टू, सो यहाँ पर क्या चल रहा था, डेल यू बाय डेल डब्ल्यू हमें दे रखा था 66 जूल के इक्वल। सो यहाँ पर डेल यू बाय 66 जूल एज इट इज। और इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, सो 11 17 में से 11 गया 6, 11 ऊपर चला जाएंगे यानी कि 11/6 के इक्वल आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल कम्स आउट इक्वल्स टू 121 जूल्स। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।